बच्चों को बार बार में भूख लगती रहती है, ऐसे में हम मॉम सोचते हैं कि क्या दे बच्चों को खाने के लिए। तो उसमें आप ये हेल्दी डाइट्स में चिवड़ा बना सकते हो, जिसे आप एक बार बना करके महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। जब बच्चों को भूख लगे तो थोड़ा सा आप दे सकते हो, जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बिल्कुल क्रिस्पी भी है ये। और बारिश के मौसम में भी ये बिल्कुल भी, अगर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखते हो तो बिल्कुल भी सिलन नहीं आएगी इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। स्पेशली बनाना बहुत इजी है, बहुत ही कम से कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिता की डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे हम 2 कप मोटा पोहा। यहाँ पे मैंने पोहे को अच्छे से साफ़ करके लिया है, इसे चलनी में मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे लेंगे हम फ्राई करने के लिए ऑयल। यहाँ पे जो तेल है वो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो तेल काफ़ी गंदा होगा, तो इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही तेल आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जब हमारा तेल बिल्कुल से गर्म हो जाएगा एकदम से, तब हम इसमें एक एक मुट्ठी जितना पोहा डालते जाएंगे, और एक मुट्ठी पोहा डालने के साथ में ये एकदम से फ्राई होके ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसे हम छलनी में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम झाड़ देंगे इस तरीके से, और जो नाश्ता है ये क्रिस्पी रहेगा। इसे आपको फुल फ्लेम पे ही करना है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक बार फ्राई किया है जिसमें ऑयल का कलर बिल्कुल से चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इसी तरीके से गैस का फ्लेम फुल रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरीके से पोहा को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से बनाया हुआ जो चिवड़ा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, प्लस लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहता है ये, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स भर के बनाए थे, जो सोचा था कि 15 से 20 दिन चलेंगे, बट मेरा 1 से 1.5 दिन में ही पूरे ये जो नाश्ता है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सभी को इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी तरीके से हम जो सारे पोहा है वो फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो मूंगफली भी इसी तरीके से फ्राई कर सकते हो, बट मैंने इसमें सिर्फ इस तरीके से पोहा को फ्राई करा है और मूंगफली को मैंने हल्का सा रोस्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पोहा को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मूंगफली को रोस्ट करने के लिए यहाँ पे हम फिर से वही कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, उसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जितना ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे मूंगफली। मूंगफली की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 कटोरी का इस्तेमाल किया है, बिकॉज इसमें मूंगफली जब टेस्ट में आती है तो अच्छी लगती है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे मूंगफली को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे हमें फ्राई करना है, और यहाँ पे जब इसमें क्रैक्स आने लगे और एक चट चट की आवाज़ होने लगे तो आपको पता लग जाएगा कि मूंगफली जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो उस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे करी पत्ते। यहाँ पे मैंने 15 से 20 करी पत्ते लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले से धो के अच्छे से साफ़ करके सुखा के रख लिया था, क्योंकि अगर हम इसमें गीले कड़ी पत्ते यूज़ करते तो मूंगफली में सिलन हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे पहले से ही सुखा के रखा था। और इसके साथ में इसे हम 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे, और जब आपको लगे कि कड़ी पत्ता अच्छे से भून चुका है तो यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना नमक। बाकी नमक की क्वांटिटी आप अपने पोहा के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो। और साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर, और मिर्ची भी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हो, या कम पसंद है तो कम ऐड कर सकते हो। और साथ में इसे मैंने खट्टा मीठा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के चीनी, जहाँ पे मैंने बूरा चीनी का इस्तेमाल किया है। आपके पास में अगर बूरा हो तो वो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप चीनी को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे चीनी डालने के बाद में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद में इसमें जो हमने पोहा फ्राई करके रखे हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, और पोहा को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि जो हल्दी का कलर है वो पोहा पे नहीं लग जाए। और यहाँ पे इसे हम ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका देख के ही मन कर रहा होगा इसे खाने का, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, खट्टा मीठा और बहुत ही ज़्यादा शानदार बना था ये। और आप इसे ठंडा करने के लिए पहले रख दीजिए, जब आपको लगे कि ये अच्छे से ठंडा हो चुका है उसके बाद ही आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें, बिकॉज गर्म में अगर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे तो वो थोड़ा सील जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखेंगे,
जब मन हो तब आप इसे इंजॉय कर सकते हो टी टाइम स्नैक्स में, या जब बच्चों को रात को पढ़ते टाइम भूख लगती हो तो तब आप इसे बच्चों को दे सकते हो, जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, साथ ही कम टाइम में बन के तैयार होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगता है। आप इसे एक बार बना के रखिए, महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हो, और आप इसे ठंडा करने के बाद में ही इसे कंटेनर में भर के रखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।